नमस्कार, मैं डॉक्टर श्रद्धा वशिष्ठ आपका सबके शिक्षा में बेहद स्वागत करती हूँ। सुप्रसिद्ध और बेहद सफल योजना अटल पेंशन योजना में हुआ है बहुत बड़ा बदलाव। हाल ही में सरकार ने की है यह घोषणा कि 1 अक्टूबर 2022 से कोई भी ऐसा नागरिक जो टैक्स पेयर है, यानी कि जो आयकर दाता है या फिर पहले रहा है, वह अब अटल पेंशन योजना में शामिल होने योग्य नहीं है। अब जो लोग भी अटल पेंशन योजना में शामिल होना चाहते हैं, वे सभी नॉन टैक्स पेयर्स होने चाहिए, यानी कि वे आयकर ना भरते हों। अब एक बहुत बड़ा सवाल आपके मन में उठ रहा होगा कि वे लोग जो टैक्स पेयर्स हैं और जिन्होंने इस योजना में अपना नाम 1 अक्टूबर 2022 से पहले दर्ज करवा रखा है, अब उनका क्या होगा? जी हाँ, वह सभी लोग जो टैक्स पेयर्स हैं और जो 1 अक्टूबर 2022 से पहले से अटल पेंशन योजना से जुड़े हैं, तो वह इस योजना का लाभ अंत तक उठा सकेंगे। यानी कि वह लोग 1 अक्टूबर 2022 से जो पहले अटल पेंशन योजना से जुड़ चुके हैं, उसमें शामिल हो चुके हैं, उन पर इस नए नियम का असर नहीं पड़ेगा। वे अटल पेंशन योजना का लाभ उठा सकेंगे क्योंकि नियम बदलने से पहले वे इस योजना का हिस्सा बन चुके थे। साथ ही 18 वर्ष से 40 वर्ष तक की उम्र के लोग, जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस योजना में आवेदन कर सकते हैं, ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। इसके अलावा इस योजना में आवेदन करने के लिए आपके पास एक सेविंग बैंक खाता और एक मोबाइल नंबर होना जरूरी है। 1000 से 5000 तक की पेंशन का इंतजाम अटल पेंशन योजना के तहत 60 साल की उम्र में किया जाता है। जी हाँ, 60 साल और उससे अधिक जब आपकी उम्र हो जाती है तो आपको ये पेंशन मिलने लग जाती है। पेंशन की रकम आपके प्रीमियम के योगदान पर निर्भर करती है। अटल पेंशन योजना के तहत केंद्र सरकार अपने भारतीय नागरिकों का बुढ़ापे में ख्याल रखना चाहती है, इसीलिए प्रतिभा पेंशन योजना का आरम्भ हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने 2015 में किया था। उम्मीद करती हूँ ये जो नया अपडेट है आपको समझ आ गया होगा, और अगर आप अटल पेंशन योजना में अभी शामिल नहीं हुए हैं तो इस नए नियम को ध्यान में रखते हुए आप अटल पेंशन योजना में शामिल होंगे। अब मुझे डॉक्टर श्रद्धा वशिष्ठ को इजाजत दीजिए। नमस्कार।